हेलो गेमर्स, क्या हाल है मेरे भाई, कैसे हो? तो यार हमारा वीडियोस का कमेंट सेक्शन इस सवाल से पूरी तरह से भर चुका है कि इस बार का सीजन 19 का रॉयल पास लिया जाए कि नहीं लिया जाए। तो गाइस आज के वीडियो में हम एक तो ये देखने वाले हैं कि सीजन 19 का रॉयल पास लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए मेरे भाई। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, घबराओ मत, ये सारी डिटेल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसके अलावा आपको कुछ एक ऐसा नया स्पेशल फीचर दिखाने वाला हूं मैं सीजन 19 के रॉयल पास का, जो कि अभी तक पिछले रॉयल पासेस में कभी भी नहीं आया था, इस बार एक्सक्लूसिवली आने जा रहा है। तो क्या है ये एक्सक्लूसिव फीचर, हम इसके बारे में भी आज सारी डिटेल्स देखने वाले हैं मेरे भाई। तो ये जो रॉयल पास रिवॉर्ड्स हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 100 तक, ये तो हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी सबके सब देख चुके हैं। बाय द वे ये वाली लीक्स हमारे लिए लेकर आए प्रयांग गेमिंग, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस ये रहा वो नया एक्सक्लूसिव फीचर, आप यहां नीचे देख सकते हो, यहां पर रिडीम एक्सक्लूसिव आइटम सेक्शन में यहां पर दो तरह की क्रेट्स हमें इस बार दी हुई है। और ये जो दो क्रेट्स है मेरे भाई, इनमें से इस बार हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलने वाला है। आरपी क्रेट्स के अंदर हमें पिछले बहुत सारे रॉयल पासेस के रिवॉर्ड भी मिलने वाले हैं इस बार, लेकिन ये हमारे ऊपर होगा हम उनमें से कौन सी क्रेट सेलेक्ट करते हैं, और कोई भी एक क्रेट जो हम सेलेक्ट कर लेंगे उसके एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड, उसके सारे रिवॉर्ड हमें आरपी क्रेट्स में मिलने वाले हैं। सो ये रही वो आरपी कस्टम क्रेट्स, इनके अंदर हमें दो सिलेक्शंस दिखने वाले हैं गाइस। सबसे पहला तो ये रहा एजेंट अलायंस, इसके अंदर हमें एक्चुअली सीजन 9, सीजन 11 और सीजन 13 के रॉयल पास के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो जिन प्लेयर्स ने पहले इन रॉयल पासेस को नहीं लिया था और वो इनके रिवॉर्ड्स को इस बार रिडीम करना चाहते हैं, तो वो आरपी क्रेट सेक्शन से जाकर कर सकते हैं। एंड वैसे ही एक और क्रेट सेक्शन रहने वाला है गार्जियन फोर्स, इसके अंदर हमें सीजन 5, सीजन 6 और सीजन 8 के रॉयल पास के रिवॉर्ड मिलेंगे। सो एक और अच्छी बात यह है कि हम इनमें से कोई भी क्रेट सेलेक्ट करने से पहले उसके रिवॉर्ड्स को प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या रिवॉर्ड रहने वाले हैं। तो ये रही एजेंट अलायंस, इसके अंदर हमें रॉयल पास सीजन 9 के रिवॉर्ड दिए हुए हैं, जो भी आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। इसके अलावा सीजन 11 ऑपरेशन टुमारो है और सीजन 13 टॉय प्लेग्राउंड। एंड ऐसे ही जब हम दूसरी क्रेट को प्रीव्यू करते हैं जो कि गार्जियन फोर्स है, तो इसके अंदर हमें रॉयल पास सीजन 5, रॉयल पास सीजन 6 और रॉयल पास सीजन 8 के रिवॉर्ड दिख जाएंगे गाइस। और यहां पर हम इन स्पेशल कस्टम क्रेट्स में से जो भी हमारे पास आरपी पॉइंट्स होंगे, हम उन एक्स्ट्रा आरपी पॉइंट्स से इन्हें परचेज कर सकते हैं फिर। इसलिए ये देख लेना बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों क्रेट्स में से, मतलब इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि एक बार अगर हमने कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो फिर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं गाइस। वैसे मेरे पास रॉयल पास सीजन 9, 11 और 13 के लगभग सारे रिवॉर्ड ऑलरेडी हैं, इसलिए मैं सेलेक्ट करने वाला हूं ये सेकंड ऑप्शन जो कि है गार्जियन फोर्स वाला। इसके अंदर मैं सीजन 5, 6 और 8 के रिवॉर्ड ले सकता हूं। सो एक और इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस, पर हमें जितने भी रिवॉर्ड्स का ये प्रीव्यू दिख रहा है, इसके अंदर ये जो बियर्ड या फिर हेयर स्टाइल है, इसके ऊपर कोई भी रॉयल पास का आइकॉन नहीं बना हुआ है। और हम ये जानते हैं कि ये जो बियर्ड वाला रिवॉर्ड है, ये एक्चुअली सीजन 7 में आया था। और ये जो हमें दो क्रेट्स के ऑप्शन मिलने वाले हैं, इनमें से सीजन 7 नहीं है, इनमें सीजन 5, 6 और 8 है, और दूसरी क्रेट के अंदर सीजन 9, 11 और 13 है, जबकि बियर्ड तो आया था सीजन 7 में। तो इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इन दोनों में से कोई भी क्रेट ले लें, ये रिवॉर्ड्स हमें फिर भी मिल जाएंगे। हम आरपी क्रेट सेक्शन के अंदर, स्पेशल आरपी रिवॉर्ड सेक्शन के अंदर जाने के बाद इन्हें भी रिडीम कर सकते हैं वहां से। तो मेरे भाई क्या हमें रॉयल पास इस बार का सीजन 19 का लेना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली इशू ये है कि ज्यादातर प्लेयर्स को ये लग रहा है कि मान लो अगर बहुत जल्द बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया रिलीज हो जाता है आने वाले एक हफ्ते में या दो हफ्ते में या तीन हफ्ते में, क्योंकि ये सीजन 19 तो पूरे 60 डेज का यानी कि दो महीने का रहने वाला है, तो क्या वो रॉयल पास हमारा ट्रांसफर हो भी पाएगा? तो गाइज ये सवाल का जवाब सबसे पहले तो कुछ इस तरह से देख लेते हैं कि आपको याद होगा कि जब पबजी मोबाइल इंडिया की लीक्स आई थी, उसके बारे में अपडेट्स आने शुरू हुए थे, जब इस गेम का नाम पबजी मोबाइल इंडिया था, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नहीं था, उस वक्त कुछ ऐसी अकाउंट ट्रांसफर की लीक्स आई थी जिनके अंदर हमें ये पता चल पाया था कि अकाउंट ट्रांसफर एक्चुअली हो रहा है, उसका ये फीचर टेस्ट किया जा रहा है टेंसेंट के एंड पे। वैसे उस वक्त मैं जब इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आया था, तो मैंने उसका एक क्लिप रख लिया है आपके लिए, तो आप में से जिसने भी वो नहीं देखा था, वो फटाक से देख लेते हैं कि वो आखिर क्या मैटर था। ऑलराइट गाइस, तो उस वक्त हमें कुछ ऐसे डमी अकाउंट दिखे थे पबजी मोबाइल ग्लोबल के अंदर, जिनको पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन में ट्रांसफर करने के लिए टेस्टिंग की जा रही थी। फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला अकाउंट था, और जब भी हम इस अकाउंट की प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो जैसे ही हम इसकी स्क्रीन पर जाते थे, इसकी प्रोफाइल पर जाते थे, तो बार बार यही मैसेज हमें दिखता था कि द प्लेयर यू आर व्यूइंग हैज माइग्रेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया। सो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो भी ग्लोबल वर्जन के अकाउंट्स रहने वाले हैं, हमारी पूरी की पूरी इन्वेंट्री सारी यूसी एज इट इज ट्रांसफर करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा पबजी मोबाइल इंडिया, यानी कि अब का जो न्यू वाला बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, इसके अंदर। तो एक्चुअली बड़ा सवाल ये नहीं है कि ट्रांसफर होगा कि नहीं, सवाल एक्चुअली ये है कि क्या हम ट्रांसफर करना भी चाहेंगे या नहीं। आओ देख लेते हैं कैसे।
मेरे भाई हमें कुछ ऐसी बातें सुनने में आ रही है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर दूसरे सर्वर्स के साथ मैचिंग नहीं होने वाली, यानी कि जो इंडिया के अंदर प्लेयर्स होंगे उनसे ही मैचिंग होगी। और ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया वालों के हाथ में नहीं है कि कितने प्लेयर्स इस गेम को रजिस्टर करने वाले हैं और इसमें खेलना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि इन्होंने ट्रांसफर का ऑप्शन नहीं दिया और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि ग्लोबल वर्जन लगातार चलता रहेगा वीपीएन के थ्रू या जैसे भी, तो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, वो क्लोज नहीं होने वाला है। तो एक्चुअली उससे हो ये सकता है कि अगर अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं भी होते, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो चलो ऐसा होता है, तो क्या होगा कि अगर कम से कम प्लेयर्स अगर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेलते हैं तो मैच मेकिंग प्रॉपर नहीं मिलने वाली है गाइस। मैच मेकिंग में हमें लंबे वेट्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए मैं तो इनिशियली ये करने वाला हूं कि मैं एक नई आईडी बनाने वाला हूं जब भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया लॉन्च होगा, और मैं पहले कुछ दिन ये देखने वाला हूं कि मैच मेकिंग कैसी रहती है। एंड वो इसलिए क्योंकि हमें जैसे ही ये नया गेम लॉन्च हो जाएगा इसके अंदर हमें इन गेम ऑप्शन मिलेगा कि क्या हम ट्रांसफर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, तो हमें चूज करना होगा कि हम अपनी आईडी को ग्लोबल से ट्रांसफर भी करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर हम ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर पाएंगे, और अगर हम ट्रांसफर नहीं भी करना चाहते तो ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि हम इस आईडी से ग्लोबल वर्जन में तब भी खेलते रह सकते हैं। एंड इसलिए मैं सबसे पहले तो न्यू आईडी बनाने वाला हूं और बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में मैं उस न्यू आईडी से ही खेलूंगा, ताकि कुछ दिन खेलने के बाद मुझे ये अंदाजा लग जाए, ये पता चल जाए कि मैच मेकिंग अच्छी जा रही है, क्योंकि ये एक्चुअली क्राफ्टन के हाथ में नहीं है कि कितने प्लेयर्स इंडिया के अंदर इस गेम को रजिस्टर करने वाले हैं और कितने प्लेयर्स ग्लोबल में ही कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी इस आईडी के साथ। तो अगर ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स शिफ्ट हो जाते हैं तो मैच मेकिंग अच्छी देखने को मिलने वाली है, एंड अगर ज्यादा ज्यादा प्लेयर्स इनिशियली शिफ्ट नहीं होते हैं, मान लो पहले 3-4 हफ्ते शिफ्ट नहीं होते हैं, उसके बाद शिफ्ट होना शुरू होते हैं, तो इनिशियली हमें मैच मेकिंग में लॉन्ग वेट्स देखने को मिलेंगे। और मैं ऐसा नहीं चाहता मेरे भाई कि मैं अपनी इस आईडी से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में खेलूं और रैंक पुश करना चाहूं और मैच मेकिंग में घंटों लगते रहे, यानी कि 4-4, 5-5, 6-6 मिनट की मैचिंग होती रहे। तो मेरे भाई मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं इनिशियली एक नई आईडी बनाने वाला हूं और उस नई आईडी से खेलने वाला हूं इस न्यू गेम में, और जब ये कंफर्म हो जाएगा, ये श्योरिटी हो जाएगी कि मैचिंग बढ़िया जा रही है, क्योंकि मेरे भाई ये तो सुनने में आ ही रहा है कि हो सकता है, यू नो कंफर्म नहीं है, बाय द वे अभी भी कंफर्म तो नहीं है, सिर्फ सुनने में आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि चांसेस हैं कि सिर्फ इंडियन सर्वर इंडियन यूजर्स के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और इसकी मैच मेकिंग बाकी के सर्वर्स के प्लेयर्स के साथ नहीं होने वाली है। तो अगर बाय चांस ये बात सच निकली तो हो सकता है कि मैच मेकिंग में लॉन्ग वेट्स देखने को मिले और गेमिंग एक्सपीरियंस में उतना मजा ना आ पाए, क्योंकि अगर हमें इनिशियली मैच मेकिंग में इश्यूज आए तो हमें गेम खेलने में उतना मजा नहीं आने वाला गाइस, बैक टू बैक हम क्लासिक्स नहीं खेल पाएंगे, रैंक पुशिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। सो गाइस इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं ये सोच रहे हो कि सीजन 19 रॉयल पास हम खरीद लें, उसके बाद बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया आ जाए और फिर हमारा डेटा ट्रांसफर ना हो पाए तब हम क्या करेंगे, हमारा अकाउंट फंस जाएगा, हमारा रॉयल पास यहीं कहीं ब्लॉक हो जाएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होने वाला है, ऑप्शन हमें मिलने वाला है ट्रांसफर करने का, तो हमारे ऊपर होगा कि हम ट्रांसफर करना चाहते हैं अपना अकाउंट या नहीं करना चाहते हैं। सवाल बड़ा वो है मेरे भाई, तो आपको इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कहीं भी ये सोच रहे हो कि भाई ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, फंस जाएंगे, तो गाइस ऐसा चिंता मत करो बिल्कुल भी, ट्रांसफर करने का ऑप्शन हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब पबजी मोबाइल इंडिया की टेस्टिंग चल रही थी तो उस वक्त भी अकाउंट ट्रांसफर की टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है मेरे भाई। और इसके अलावा अगर एक और एग्जांपल लिया जाए तो जिन जिन कंट्रीज के अंदर भी पबजी मोबाइल बैन हुआ है और उसके बाद उनका कंट्री स्पेसिफिक वर्जन आया है, तो उन सबको भी अकाउंट ट्रांसफर का ऑप्शन मिल गया है, और वो भी अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद उनके कंट्री स्पेसिफिक वर्जन में खेल पाए हैं, तो इसके अंदर भी ऐसा ही होने वाला है। सो गाइस अब आपके ऊपर है कि आपको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है। तो अगर रॉयल पास की बात की जाए तो मेरे भाई आप बिल्कुल, आपके पास यूसी है तो आप रॉयल पास परचेज कर सकते हो, क्योंकि पबजी मोबाइल इंडिया यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो है ये अभी ये सीजन तो नहीं आने वाला है, एंड अगर आ भी जाता है आप तब भी ट्रांसफर कर पाओगे, और अगर ये सीजन नहीं आता है, मान लो अगले सीजन आता है, तो भी आपको ट्रांसफर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो दोनों ही केसेस में आपको ट्रांसफर का ऑप्शन तो मिल ही जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि सीजन 19 का रॉयल पास बाय करो मेरे भाई, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रॉयल पास होने वाला है, इसके अंदर कुछ अच्छे इमोट्स हमें यूज करने के लिए मिलने वाले हैं गाइस, काफी अच्छी स्किन्स हैं, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स हैं इन शॉर्ट। तो मेरा एडवाइस तो आपके लिए ये है कि अगर आपके पास यूसी है तो आपको रॉयल पास बिल्कुल बाय करना चाहिए। सो इसके अलावा आपके कुछ और सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो मेरे भाई, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं चलता हूँ और लेकर आता हूँ आपके लिए ऐसा ही एक और अमेजिंग अपडेट। गुड बाय गेमर्स एंड लव यू ऑल।